छोरा दीपेंदर वर्गा मैंने तो कहता है जिंदगी में नहीं देखा जो साथ लगा के सत्यानाश करे। भाई मैंने तो सही टाइम पर किनारा कर लिया क्योंकि यहाँ तो गंद के अलावा और कुछ रहा नहीं। प्रभारी है वो भी रो रहा है, आठ आठ आंसू रो रहा है। कांग्रेस तो रही नहीं, ये तो वैसे ही खत्म हो लिए कि अंतिम क्षण तक सेवा के लिए मैं और श्रुति इनके लिए हाजिर। राज्यसभा में जाते ही एनर्जी दुगनी होगी आपकी। एनर्जी मेरी तो हमेशा से ऐसी थी। नमस्कार, मैं आपको दोस्त विनोद शर्मा फिलहाल सुंगरपुर गांव में खड़ा हूं। तो असम विधानसभा का ये गांव है। किरण चौधरी यहां पर अधिकारियों को डांट फटकार लगाती और लोगों के काम करती दिखाई दी। मैं रुका यहां पर बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगी, अब बीजेपी की सरकार आने वाली है और इन लोगों के काम होने वाले हैं जिस तरीके से आप जोश में दिख रही हैं? निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे, भाजपा पूर्ण बहुमत से बनाएगी और सबके जो है तो शाम हल्के के अंदर दबा के काम पहले भी करें हैं भाई, सबने बेरा है मेरे बारे में। और श्रुति अब मिलकर, मैं और श्रुति मिलकर और भी दबा के काम करेंगे। राज्यसभा में जाते ही एनर्जी दुगनी होगी आपकी। एनर्जी मेरी तो हमेशा से ऐसी थी, जब लोगों के बीच में आती हूँ तो ये लोग मेरे को अपने आप एनर्जी दे देते हैं। आपने देखा है इतना मान सम्मान प्यार शायद ही किसी को मिला हो जो मुझे 20 साल के अंदर इन लोगों ने दिया है। सुरेंद्र सिंह जी के बाद इनकी मैं ऋणी हूँ और वही मैंने बात कही कि अंतिम क्षण तक सेवा के लिए मैं और श्रुति इनके लिए हाजिर है। आपके तोसाम छोड़ते ही चुनाव का जो माहौल है और खास करके कांग्रेस वालों की हवा में तलखी आ गई है, बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं, नए नए नेता आ गए हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो रही नहीं, ये तो वैसे ही खत्म हो लिए। अब तो बाबू बेटा है, बाप भी लड़ रहा है, छोरा भी लड़ रहा है, सारे के सारे यही हाल हो रहे हैं। टिकटों के अंदर जो हाल बटे हैं देख लिया था हमने। अभी वो मैं देख रही थी, वो बेरी का एक आदमी रो रहा था सुबह, कहता है भाई ईसा छोरा दीपेंदर वर्गा मैंने तो कहता है जिंदगी में नहीं देखा जो साथ लगा के सत्यानाश करे। तो इस तरह के लोग हैं, ये सारी जनता इनके बारे में जान गई। और भाई मैंने तो सही टाइम पर किनारा कर लिया, सच्चाई है ये। हाँ, क्योंकि यहाँ तो गंद के अलावा और कुछ रहा नहीं। वो बावरिया वो जो इनका ये जो है प्रभारी है वो भी रो रहा है, आठ आठ आंसू रो रहा है। तो देख लो फिर कांग्रेस के हाल क्या हो रहे हैं। और ये आगे आने वाले टाइम में ये भी, इनके तो सिर पे तलवार लटकी हुई है, बेरा नहीं कद अंदर जाओगे भाई। तो ये तो इस बात के लिए आंड रहे हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पर सब जानते हैं आने वाले समय में भाजपा सरकार ने जो अभी काम करे हैं, किसानों के लिए इतने बड़े बड़े काम करे हैं, जो विरोध था किसानों का वो पूरा दूर कर दिया है। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, पूरा विरोध जो था वो दूर कर दिया है, क्योंकि काम जो है किसानों के वो कर दिए हैं जो आज तक अब आज जो है एक इतिहास बन जो है ऐतिहासिक काम करें हैं। मैं तो ये कहूँगी इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया है जो किसानों को जिसका बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है शुरू शुरू में थोड़ा बहुत बवाल आता है, अब लोगों को समझ आने लगी है कि इन्होंने खाली किसान के नाम पर राजनीति करी है। हुड्डा ने कभी किसानों के लिए कुछ करा तो था नहीं, जो है मुआवजे भी जितने आते थे जो भी हाल होते थे जो था, क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त करा, आगे भी वही हाल होगा। तो इनको जो है जनता नकार चुकी है और आने वाले समय में आप देखिएगा हरियाणा। कांग्रेस लिस्ट नहीं लेके आ सकी, अब तक मात्र कुछ विधायक थे उनको ही रिपीट किया गया है, बीजेपी ने काफ़ी नाम दे दिए हैं। कांग्रेस में क्या कमी लगती है आपको, कहाँ लगती है चूक हो रही है, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने 15-15 आदमियों को ये कह रखा था कि भाई टिकट तुम्हारी, टिकट तुम्हारी, टिकट तुम्हारी, लारे लप्पे दे रखे थे। कोई बाबू ने लारे लप्पे दे रखे थे, कहीं छोरे ने दे रखे थे। तो ये सारे जो हैं अब उन लोगों ने जो है ये रैलियां करी, ये जब होती थी तो वो सारे ढो ढो के लोग इधर से उधर, उधर से इधर ले जाते थे। तो 20-20, 30-30 लाख जो है हर एक आदमी नीचे आ लिया है, ज़्यादा भी आ लिया होगा, कहीं तो ज़्यादा भी आ लिया बेचारे। तो अब जो है वो क्या करें, अब वो इनको भी पता है कि एक मिनट कि इनके कपड़े लत्ते अब फटेंगे। तो जो है इसलिए लिस्ट जो है आखिरी में ये 10 तारीख या 11 तारीख को आएगी, देख लियो। और ये यूँ इसलिए सोच रहे हैं कि पता है कि भाई वहाँ पे शीशे टूटेंगे, लठ बजेंगे, सबके में होगा, तो इसलिए थोड़ा सा देर से करो। लेकिन सच्चाई ये है जब इस तरह की हालात आप खुद स्वयं बनाते हो तो उसका नतीजा आपको खुद भुगतना पड़ता है, और वो जो है सामने आ रहा है। और इसी कारण जो है इनकी लिस्ट नहीं निकल पा रही, और इनके जो आधे जो विधायक हैं वो तो हारने वाले विधायक हैं जी। वो विधायकों ने भी जो है इनके ऊपर इनकी गर्दन पकड़ रखी है, ईडी ने इनकी गर्दन पकड़ रखी है, बाकी लोगों ने इनकी गर्दन पकड़ी हुई है। तो ये जाएंगे कहाँ? ईडी वाला आरोप तो फिर बीजेपी पर लगता है कि बीजेपी भेज रही है ईडी को। तो
बीजेपी क्यों भेज रही है भाई, यूँ बताओ, जिसने उल्टे काम करे हैं, सारे किसानों की ज़मीनें नाप दी, सारी के सारे जो हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो है देकर, और सारा गुड़गांव, फरीदाबाद, इधर जो है सोनीपत साइड, पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी कितनी ज़मीनें रोहतक तक जो हैं ज़मीनें खरीद खरीद के जो है पूंजीपतियों को दे रखी हैं, उन्होंने बड़े बड़े वो बना लिए, किसानों के हाथ में तो औने पौने दाम दिए हैं। अभी मेवात के अंदर जो है इतना बड़ा वो चल रहा है, मेवात में भी अभी धरना चल रहा है किसानों का, आठ आठ गालियां दे रहे हैं हुड्डा को। श्रुति चौधरी का डेब्यू है, कैसा माहौल देखती हैं तो शाम में, क्या कुछ रहेगा विरासत आप चौधरी बंसीलाल की अपनी राजनीति की, उनको सौंप चुके हैं विधानसभा की। श्रुति चौधरी का डेब्यू नहीं है, पहली बात तो ये है, श्रुति चौधरी सांसद रही हुई हैं और तोशाम उनका संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा था। श्रुति ने अपने कार्यकाल में तोशाम के हर एक घर के, हर एक गांव के अंदर अपने MPLAD फंड दिया है, उसके साथ साथ इतना ज़बरदस्त पैसा केंद्र से वो लेकर आई जिसके कारण मैं ये पानी का काम जो है सारे गांव गांव के अंदर करवा पाई, तो ये सारा श्रेय श्रुति को जाता है। तो ये श्रुति जो है इलाके के लिए नई नहीं है, इसके ऊपर चौधरी बंसीलाल जी के समय से, चौधरी बंसीलाल जी तो अपने उंगली पकड़ के, उनकी उंगली पकड़ के श्रुति जो है उनके साथ जो है सारी पब्लिक मीटिंग्स के अंदर जाया करती थी, और शुरू से श्रुति को जो है उन्होंने इस तरह से जो है रखा आगे कि आगे आने वाले टाइम में मेरी जो है विरासत जो है, जैसे उन्होंने बाद में पगड़ी भी रखी, यही संभालने वाली है। सुरेंद्र सिंह जी के समय पर, मैं तो उस समय दिल्ली की राजनीति में थी, तो राज जो है कैंपेनिंग के लिए श्रुति आती थी, और मेरे टाइम पे तो जब भी इलेक्शन हुए श्रुति ने संभाला है, तो शाम का तो चप्पा चप्पा जानती है श्रुति, सारे कार्यकर्ताओं को जानती है, तो ये नहीं है श्रुति तो शाम के लिए, और तो शाम की बेटी है, तो शाम की बहन है, और ये लोग सब जानते हैं। कोई भी चेहरा कांग्रेस से आ जाए कोई टेंशन नहीं है, टक्कर होगी या फिर टेंशन चल रही है कि पता नहीं क्या नाम आ जाएगा अचानक? हमने तो कोई टेंशन कभी रखी नहीं, कोई विरोधी आएगा, हाँ कोई अपना तो आएगा नहीं, विरोधी आएगा और उस विरोधी को पता चल जाएगा। चलिए, फिलहाल हमारे साथ किरण चौधरी थी, आपको दिखा यहाँ का सुंगरपुर का माहौल, थोड़ा सा भीड़ दिखा दें एक बार, ये लोग आते हैं किरण चौधरी के प्रोग्राम में, लोग और उसके साथ साथ पुरुषों के साथ महिलाएं भी आती हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर मुझे स्पीकर पर सुनाई दी अधिकारियों को डांट फटकार लगाती हुई। फिलहाल आने वाले वक्त में तो शाम में काम होंगे या फिर क्या स्थिति रहेगी और जीत कौन रहा है अब की बार, फिलहाल ये सब बातें लिखते हुए इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।